से चार क्वेश्चन पूछूंगा, उनमें का आपको जवाब देना है। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ताप्ती नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है? ताप्ती नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है? उसमें गिरा है अरब महासागर में, अमरकंटक से निकला अरब महासागर। हाँ बिल्कुल सही है। ये बताइए जो गंगा नदी है उसमें से कौन सी नदी जो है वो अलग होती है? गंगा में आज है भाई 31 तारीख और आज का जो रिव्यू है वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बच्चों से रिव्यू करेंगे पहले उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे और फिर उनसे चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन हमारा जो होगा 25 नंबर का होगा, तो चार क्वेश्चन हमारे जो होंगे 100 नंबर के होंगे। तो जितने बच्चे उनका सवालों का जवाब देंगे तो इसका मतलब उनका उतने ही परसेंट क्वेश्चन पेपर सही हुआ है। तो आइए जानते हैं, बच्चे जब आने लगेंगे उनसे जानेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में, कैसा उनका पेपर जाता है। कैसा गया पेपर? पहले पेपर बढ़िया गया। कहाँ से आए वो पहले ये बताओ थोड़ा। मेरठ से। तो कैसा हुआ पेपर ये बताओ? पेपर तो अच्छा हुआ पर मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मैथ टाइम टेकिंग है। अच्छा, रीजनिंग भी है, हिंदी तो ऐसी है बहुत ज़्यादा इजी, 20 के 20 कर देगा कोई भी। और हिंदी में 20 के 20 हो रहे हैं? 20 के 20। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? जीएस में तो एक तो फीफा वर्ल्ड कप में जो बॉल यूज हुई उसकी व्यास पूछा। अच्छा। उसके बारे में और तो क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा? क्रिकेट से पूछना, बस फीफा वर्ल्ड कप का था। पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना था वो, होता क्या मैं गोल में ही सम्मेलन था। अच्छा। हाँ और तो ऐसा कोई याद ना। तो चलिए भाई, जैसे आप पेपर देगा इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 60 करे 60। तो भैया मैं आपसे चार क्वेश्चन पूछूंगा, उनमें का आपको जवाब देना है। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ताप्ती नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है? वो हिंद महासागर, प्रशांत में मिले, प्रशांत में। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि सोन नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? क्या सोन नदी है जो वो किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है बिल्कुल। अब ये बताइए आर्टिकल 25 जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 25। चलिए कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम होता क्या नाम है उसका, बलराज बलदेव। हाँ धन्यवाद भाई। 73। कहाँ से आए थे? मतलब मेरठ से आया था भाई। हाँ भाई, तो कौन सा कोई पोर्शन हार्ड लगा? बन हुए हार्ड भी थे और इजी भी थे, सही आ रहा है लेवल, पूछ रखा मैथ में ठीक हो रहे। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर पाए? रीजनिंग में 18 कर दिए। टाइम टेकिंग लगा कुछ? हाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर था उसमें टाइम ज़्यादा ले लिया और ठीक था, कुल मिला के नू नहीं है ज़्यादा ही हार्ड आ रहे। तो बच्चों से क्या कहना चाहोगे जिनका आगे पेपर है? मैं अपना लगे रहे और मेहनत करो, हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बात यूँ है। तो जीएस में कैसी पकड़ है आप? जीएस में बस जीएसी ढीली सी रहेगी, कमजोर है। हाँ इतनी तैयारी नहीं थी। वैसे एसएससी की जो जीएस है वो हर किसी की कमजोर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ मनु है अपना, नू भी नहीं कि लग रहे जीएस में ऊपर ऊपर जितना कर सको इतना ज़्यादा टाइम ना दो, और चीज तीन है इनमें संभाल लो। तो चलिए मैं आपसे चार क्वेश्चन पूछता हूँ, उनके आप जवाब दे दिए। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े होने हैं। ये बताइए सबसे गहरा महासागर कौन सा है? भाई मैं जीएस नहीं पढ़ता। अच्छा, आर्टिकल 28 किससे संबंधित? वो क्या नाम है फंड अधिकार हैंगे हमारे उनमें से ही है, मैं जीएस नहीं पढ़ता भाई। अच्छा, तो वर्तमान जो है रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री वो है राजनाथ सिंह। वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष? मैं वो तो वो प्रधानमंत्री रह गए हमारा शायद, सुमन मेरी। मैं मुझे जी से कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है भाई, धन्यवाद। ये जो लाइन देख रहे हो आप, इन सब भाइयों का सेकंड शिफ्ट में पेपर है, इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हर कोई बता देता है उन्हें। तो भैया पहला क्वेश्चन है कि बताइए जो ताप्ती नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है? कौन सी ताप्ती नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है? उसमें गिरा है अरब महासागर में, अमरकंटक से निकला अरब महासागर। हाँ बिल्कुल सही है। ये बताइए जो गंगा नदी है उसमें से कौन सी नदी जो है वो अलग होती है? गंगा में से भाई हुगली पश्चिम बंगाल में अलग होती है और वो बांग्लादेश में निकल जाती है। वो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। और जो यमुना नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, वो कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ? बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तराखंड। सही भाई, चलिए ठीक है भाई। चार क्वेश्चन थे, चार क्वेश्चन का भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इनकी नॉलेज का मतलब बढ़िया है। पहले भी दिया इससे पेपर? हाँ जी, ये पहले दिया।
जीडी का ही दिया। जीडी का दिया जी। और कोई पेपर दिया हो? जी नहीं, नो तो काफी को काफी पेपर दिए जी, 3-4 पेपर दिए। तो कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर? हाँ जी है। बताओ कोई। कहना क्वेश्चन ध्यान से नहीं आ रहे वैसे। जीएस में जनसंख्या से पूछे? जनसंख्या से कोई क्वेश्चन नहीं मिला जी। नृत्य से? नृत्य से है था जी, बिरजू का एक तो बिरजू का क्वेश्चन, बिरजू महाराज का क्वेश्चन था जी। पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं था जी। खेलों से नहीं, खेलों से कोई ध्यान नहीं है जी। है करंट से कोई क्वेश्चन था? कैबिनेट से संबंधित नहीं जी। और संविधान से? संविधान से है था जी। कोई क्वेश्चन बताओ कौन सा आर्टिकल पूछा गया? आर्टिकल क्या ना 25-12 तक है था जी एक क्वेश्चन। अच्छा हाँ जी, चलिए भैया धन्यवाद। इधर को आ जाओ थोड़ा। पहले भी दिया पेपर? सेकंड टाइम है। तो पिछली बार कितने नंबर? पिछली बार कुछ क्वेश्चनों से रह रहा था। तो किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए? कैसे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? मतलब ये है कि रीजनिंग वगैरह में जो पूछे गए क्वेश्चन, दो नंबरिंग वगैरह से थे, 2-3 क्वेश्चन समथिंग। हिंदी काफ़ी ईजी थी, और आगे देखो क्या होता है अब। और भैया चलो ठीक है भैया, पेपर देगा जी। बताओ कोई क्वेश्चन याद हो? जी सिटी का अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे सर। अच्छा। और रीजनिंग में ये थे ब्लड रिलेशन से सारे क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज से था, 2D 3D वाले क्वेश्चन थे। तो लेंथी थे क्वेश्चन या होने वाले थे? मैथ के जो थे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे सर। अच्छा। और इसमें कहेंगे हिंदी बहुत आसान आ रही थी, हिंदी में बहुत सिंपल थी। जीएस भी थोड़ा इतना ही था, नॉर्मल था। और मैथ रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए। संविधान से कोई क्वेश्चन पूछे गए? संविधान से यहाँ 2 क्वेश्चन थे। बताइए कौन कौन थे? एक तो था ये सर, याद नहीं आ रहा जी। चलो कोई बात नहीं। कहाँ से आए भैया आप? जी मैं शामली से हूँ। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये बताओ हड़प्पा सभ्यता है जो, उसकी खोज किसने करी थी? दयाराम सानी ने करी थी सर। हाँ। कौन से सन में करी गई? 1770 सर। ये तो 1931 या 1921 या 1950, तीन ऑप्शन में? नहीं नहीं, 1921 में बनाई गई थी। हाँ। वर्तमान में हड़प्पा जहाँ से खोज हुई थी वो कौन से राज्य, मतलब कौन से देश में है? हड़प्पा, हड़प्पा है ये, धोलावीरा हड़प्पा पंजाब में? नहीं वो पाकिस्तान में। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा जी हमारा पेपर। कितने टाइम कर लिया भैया? 67। अच्छा कहाँ से आए वो वैसे पहले ही बताओ? सहारनपुर से। हापुड़ से? हाँ जी। तो कोई पोर्शन जो है हार्ड लगा? हार्ड तो ना, पर जो मैथ आ रहा कैलकुलेटिव आ रहा है। अच्छा। और रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग ठीक आ रही है। बढ़िया आ रही है। वो कोई जीएस में क्वेश्चन याद है? SC ST का आया एक। अच्छा। संविधान संशोधन। अच्छा। और करंट अफेयर से? एक नृत्य का आया है। अच्छा। कौन से राज्य का पूछा गया? पंजाब का। निम्नलिखित से पंजाब का नृत्य कौन सा नहीं है? अच्छा। तो ओवरऑल कितना पैसा पेपर गया है जी? ओवरऑल कैसा पेपर गया? पेपर तो ठीक गया मेरा, तो ठीक गया और पता ना मुझे। हाँ जी।